हेलो दोस्तों, मैं हूं इस्माइल एसके और आप देख रहे हैं एसके रीड्स। तो चलिए सब्सक्राइब मारिए एस एसके रीड्स चैनल को और इस बेल का आइकन को भी दबाइए लेटेस्ट अपडेट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सो हेलो दोस्तों, सब लोग कैसे हो? आशा करता हूं ठीक हो। दोस्तों आज हम आप लोगों को बताएंगे एक बहुत ही खास चीज़। बहुत ही खास मतलब यार बहुत ही खास, आप लोग मतलब ये जो प्रॉब्लम है आज जो मैं बताने वाला हूँ, ये बहुत ही लोग इसको इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, लेकिन इसका सोल्यूशन कोई नहीं बता रहा। यूट्यूब पर आप लोग देख सकते हो सर्च कर कि हर लोग बताएगा कि आप लोग कैसे डार्कनेस फ़ोटो को व्हाइटनेस कर सकते हो, लेकिन मैं आज बताऊंगा कि व्हाइटनेस फ़ोटो को कैसे डार्कनेस कर सकते हो। ठीक है, तो पिक क्लिक करने जब जाते हो आप लोग, तो मान लो कि 10 पिक्चर क्लिक करवाया तो उसके अंदर 8 जो पिक्चर होती है तो वो डार्कनेस होता है, या 2 पिक्चर ऐसा होता है कि व्हाइटनेस हो जाता है। मान लो उसको तो छोड़ो, पहले मैं जो बता रहा हूँ तो उसको ध्यान से सुनो। तो यहाँ पर देख सकते हो, मैं पिक्चर आप लोगों को दिखा रहा हूँ, तो यहाँ पर देख सकते हो मैं व्हाइट कपड़ा पहना हूँ, इसलिए पिक्चर के ऊपर बहुत ही व्हाइटनेस आ गया फेस के ऊपर। देख सकते हो फेस के एक साइड, यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर डार्कनेस है, यहाँ पर व्हाइटनेस है। तो इस पिक्चर को आप लोग जब एडिट करने जाओगे लाइट रूम के अंदर, तो फेस बहुत ही ख़राब हो जाएगा। मतलब एक साइड व्हाइटनेस, एक साइड डार्कनेस, तो अच्छा नहीं दिखेगा। तो आप लोगों को फिक्स करना होगा। फिक्स करना मतलब आप लोगों को सेम कलर करना पड़ेगा फेस का। ठीक है, मतलब एकदम सेम कलर, मतलब डार्कनेस तो डार्कनेस, व्हाइटनेस तो व्हाइटनेस। तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि आप लोग डार्कनेस कर लो फोटो को पहले। ठीक है, तो मैं आज उसका सोल्यूशन बताने वाला हूं, तो आप लोग स्टेप बाय स्टेप दिखाने वाला हूं, तो आप लोग स्टेप बाय स्टेप देख लो। तो चलिए इस फोटो को एक बार स्नैपशीट के अंदर ले चला जाता हूं, तो आप लोग इस फोटो को स्नैपशीट के मदद से ही फिक्स कर सकते हो। तो मैं पहले आ जाता हूं स्नैपशीट पर, और आप लोगों को जाना पड़ेगा टूल वाला ऑप्शन देख रहे हो, मतलब जो पेन वाला आइकन देख रहे हो, यहां पर जाना होगा। और यहां पर आने के बाद सिलेक्टिव वाला ऑप्शन पर जाना होगा, और मैं पिक्चर की जूम कर लेता हूं। तो यहां पर आप लोग देख सकते हो बहुत ही अच्छी तरीके से कि इधर जो है फेस का कलर, यहां पर डार्कनेस है और यहां व्हाइटनेस है। ठीक है, तो इसको कैसे हम लोग फिक्स कर सकते हैं? तो पहले मैं व्हाइटनेस एरिया को फिक्स कर लेता हूं कुछ इस तरीके से। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर मैं एरिया सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो यहाँ पर मैं छोटा कर देता हूँ। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर देख सकते हो, तो पहले ही जो है ऑप्शन ब्राइटनेस वाला ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ पर, तो इसको कम कर देना है। तब तक कम करना है जब तक यहाँ पर देख सकते हो जो डार्कनेस है और इधर व्हाइटनेस है, तो जब तक ये डार्कनेस कलर नहीं जाता है इधर मैं जो बोल रहा हूँ आपको समझ में शायद आ रहा होगा, इधर का कलर जब तक इधर नहीं आ जाता तब तक आप लोगों को डिक्रीज करते जाना है। ठीक है, तो यहाँ पर डिक्रीज मैं कर देता हूँ, और शायद आ चुका है अभी, तो मैं कर देता हूँ डन। और डन करने के बाद मैं आप लोगों को बिफोर वाला दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो बिफोर वाला, मैं और भी जूम कर लेता हूँ यहाँ पर, ताकि आप लोगों को और भी अच्छे तरीके से दिखाई दे। तो यहाँ पर मैं आप लोग देख सकते हो ये बिफोर वाला है, कितना लाइटनेस है एक साइड की तरफ फेस पे, और आफ्टर वाला भी देख सकते हो। तो कुछ इस तरीके से आप लोगों को फिक्स कर लेना है। तो फिर से मैं एक बार सिलेक्टिव वाला टूल चला देता हूँ, और डार्कनेस जो एरिया है उसको एक बार सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, कुछ इस तरीके से मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पर, और सिलेक्ट करने के बाद एरिया को सिलेक्ट कर लेते हैं कुछ इस तरीके से, और ब्राइटनेस जो है उसको हम बढ़ाएंगे यहाँ पर डिक्रीज नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ पर कुछ बढ़ा देंगे, मतलब इंक्रीज करेंगे, उसको कर देंगे डन। जो अब जो पिक्चर यहाँ पर देख रहे हो आप लोग, तो फेस का कलर इधर उधर नीचे ऊपर आप देख सकते हो कि कलर सेम आ गया है, मतलब जिधर भी देखोगे आप लोग उधर ही अब कलर फिक्स हो चुका है फेस का। तो अब आप लोग लाइट रूम में जाकर इस पिक्चर को एडिट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो बस वीडियो में यही बताने के लिए आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि ये प्रॉब्लम बहुत लोगों के साथ हो रहा है। आप लोगों को वीडियो बहुत ही मिल जाएगा यूट्यूब पर कि डार्कनेस फोटो को कैसे व्हाइटनेस कर सकते हो, या फेस को व्हाइट कैसे कर सकते हो, लेकिन बहुत लोगों के साथ ये होता है कि उस लोगों का क्या होता है कि पिक्चर बहुत ही व्हाइटनेस हो जाता है, तो उसको डार्कनेस कैसे करना है पता नहीं है बहुत सारे लोगों को। तो इसलिए मैं आज ये वीडियो बनाया हूँ। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो यार दिल से एक लाइक बनता है, तो लाइक करो यार वीडियो को, शेयर करो जितना हो सके, शेयर करो अपने फ्रेंड लोगों के साथ, और कमेंट्स करके बताना ये वीडियो कैसा लगा है। और इस वीडियो का रिटचिंग वीडियो, मतलब जो लाइट रूम से मैं एडिट किया हूँ ये पिक्चर को, तो वो पिक्चर का मतलब जो वो रिटचिंग अगर आप लोग देखना चाहते हो तो मुझे कमेंट करके बताओ कि इसी वीडियो का मुझे रिटचिंग, मतलब इस पिक्चर का रिटचिंग करना देखना चाहते हो आप लोग, तो मैं इस वाले पिक्चर का रिटचिंग अपलोड कर दूँगा, मतलब ट्राई करूँगा यार, क्योंकि मेरा 20 तारीख से मतलब एग्ज़ाम है, तो इसीलिए मुझे प्रॉब्लम हो रहा है अभी। तो
आप लोगों को पता ही है शायद, मैं दो दिन से ये वीडियो अपलोड नहीं किया हूँ, तो आज ये ट्रिक्स मुझे मिला और एक मेरा फ्रेंड है उसने बोला कि ये प्रॉब्लम हो रहा है, तो इसलिए मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ। हाँ, ये प्रॉब्लम होता है, बहुत सारे लोगों के साथ होता है, तो भाई इसलिए मुझे थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि सामने मेरा एग्ज़ाम है। आप लोगों को बहुत दिन से बोल भी रहा हूँ कि मेरा एग्ज़ाम है, तो सामने जो 20 तारीख है, तो 20 तारीख से मेरा एग्ज़ाम है, तो इसीलिए शायद मैं दो दिन या तीन दिन वीडियो नहीं डाल सकता हूँ, तो बिज़ी होऊंगा थोड़ा, और अगर पॉसिबल हुआ तो एक वीडियो डाल दूंगा, ठीक है, इस वीडियो का, रिटचिंग वीडियो का, अगर आप लोग चाहते हो तो डालूंगा, नहीं तो नहीं डालूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखना।